ओम साईराम आपनकु ओडिसा ब्लॉगर निरुपम को स्वागत करूची। मु आज गोटे वीडियो दूची आंब बारमासी आंब मु नर्सरी जयपुर नर्सरी मु बारमासी आंब गछटी आनीची। देखंतु एतरे भी हेगलानी मु आनिबार हेगलानी गोटे 20 25 दिन किन मु लगेई नथिली आपनकु शेयर करबी भाबी कि एबे मोर फळे आसी बौळ बौळ धर देलानी बौळ किंतु धर नथिले मु गछटी को आनीथिली। देखंतु मुड़ी गछटी आनी टे बढ़ी 15 दिन 20 दिन हो गलानी गछटी धरदेला भी तार बौल आंब भी धर एटा बारमासी कहले मुझे बारमासी गछटी आनी दि मोर आंब जमी वर्ष जरा पड़ मुझे आनी ने गछटी को एवं बारमासी आंबटी को कमी लगे मुझे अलग न्यारे लगे मोर आगु भी मुझ आंब ग रखी थी मोर बहुत फलुला मोर जो गछटी बुढ़ा ही गला तापरे से आपे आपे मरीगला कहीं कुंडरे बेसी दिन भी रही गोटे 5 वर्ष 7 वर्ष रहा फलला बहुत फल भी देलापर मरीगला मुझ आनी मुझे सेयार करी निश्चय गोटे आंब ग लगातु आश्चय फल टे पात बारमासी आंब टे लगे आपणकर 3 थर फल आसो वर्ष को आपणकर खाइबा को भी भल लगे आपण निजे किणिक लगातु मुझे आनी ऑनलाइन रे भी मिलूँ किंतु मुणिक आनली नर्सरी कहीकि आनली देखनी मोर आंब गछटी आंब गछटी मुझे केमती लगोच आपण मानक सेयार करी। देखु फ्रेंड्स मैंने आंब गई मटी प्रस्तुत करी प्रथम पट्टे नहीं देखु मो पट्टी नहीं कड़ी पट्टे सीमेंट पट्टे मुझे देखनी मोर पट्टी को देखु मो पट्टी को देखा ये सैज्र पट्टे नहीं 12 इंच 12 इंच देखु मुँ नहीं 12 इंच अधिका ने सीना कम ने कहीं टी मटी धरले ही गछटी ग्रोथ हे जेहेतु आमर गछटी बड़ हम से मु 12 इंच गोटे पट ने सीमेंट पट्टे नहीं कौन देवी आपण मानक देखेबी। देखो मु तो पट्टे नेली एबे आमे माटी प्रस्तुत करबा मु कौन कौन दौची मुझे तो आपन को शेयर करी कि गछटी लगे बेलू मु कौन दौर देखो फ्रेंड्स मैंने मो पर चोपा के फिंगेनि मुझा वेस्ट जिनस मोर किचेन बाहर मुझुड़ कलेक्ट करपर भाव में मुझ रखीए कंपोस्ट कै जदि कंपोस्ट कल भल कथा जदि मु कंपोस्ट न करी पारली मोर जो नुआ गच लगेबार अच्छे तेल मुझे भाव में प्रोसेस मुझ लगे निए गुड़ी आ गुड़ी बहुत ग्रोथ हुए तेल फ्रेंड्स मैंने आपन को जमती वे रे लगे मुझे वे ही बतेबी मुझे किसी कहबी ना मोर मोर फ्रेंड्स मैंने जमी उपकृत हे मोर भाया मुझे ही आपण मानक टेक्निकटी बताऊँगी आपणकर वेस्ट जिनस जी हो किए भी डस्टबिन में पकई दौरान किए भी डस्टबिन बाला को दे दौर किए भी नाल पकई नौ आपण वेस्ट जिनस किचन रूम रिछ भी फिंगतु ना देखु मोर केमती ब्रोकोली तार ब्रोकोली से सैड जाक देखु तार नाड़ जाक भी मो पकई काटी एमती छोट छोट कर देखो अमृतभंडा चोपा भी पड़ी आलु चोपा भी पड़ी पिज चोपा भी पड़ी रसुण चोपा भी पड़ी सब जहाँ भी वेस्ट जिनस मोर भृसंग पत्र भी जब खराब हो जाए पकई नौ शाग चेर भी पकई नौ जहाँ वेस्ट जिनस मो फूल भी ठाकुर जहाँ भी मो पानी रे पकाए कहीं आमर तो बाड़े ही रही ना आमर तो जो गच्छ लगे सहीटा रही किसी तो खराब ना तेल आम कहीं फिंग आम पानी नहीं पकड़े कौन लाभ हम आमर आम बर से गुड़िक आम कलेक्ट करी आम जदि गच लगे पार ग्रोथ करपर ताम फूल फल पाई तेल फ्रेंड्स मैंने देखु मोर मु कौन पकाच एवं तो मुझे चोप आपण मान देखे एमें मटी प्रस्तुत करवा देखु फ्रेंड्स मैंने मुझे मटी प्रस्तुत करी मुझे मटी नहीं जा तो पकई पर चोपा टी तले देवी ऊपर मटी पकईबी देखु मुटी नी देखो मो मटी पकई ने गोबर खत करुँ निजे मुझे आपण मानक कह भी कही गोबर खत भी केमती करुँ
मो गोबर जन को कहीकि आणिकि मो निजे खत के करके आपको निश्चय सेयार करी देखो मुझे गोबर खत कि नौमती पिठा परीक्षा कै नमी करदे भी जो टाइम हुए मोर यहीपर भाव में करे देखु मोर गोबर खत युड़िक जदि बड़ बड़ खंड अच्छी आप हाथ में भी गुंड कर देखु मुझे गुंड कर जो गुड़िक भी बड़ अच्छी आ पा दे सब अटोमेटिक मिसीजी मटी देहरे कि असुविधा ना देखते जो गुड़िक भांगी हो जदि न भांगी पार भी रखी दिं कि असुविधा ना सी तार सागर मिसीज मटी सांगे एवं मु खत पक गोबर खत मुझे गोबर खत पक कहीं आमर एबे जेहेतु बौल आसवा टाइमटा आंब धर जमी बौल आम न झड़ब मुझे कह देखु एवं पकईने खत आए मुझे निम पीड़िया टी दे कहीं आम जो बड़े नुआ गचटे लगे से काले आमर किए भी तार चेर ये न हो खराब न हो पोची न जाऊ से भाव में आम करवा मुझे निम किसी पीड़िया देदेली गोटे मुठा भाया एवं आम मिसई ना जीक देवे आपण आशेष कि दौनी टिके खाली आबी सोरस पीड़िया सोरस पीड़िया भी बेसी देवी अल्प टिके देवी देखु मु सोरस पीड़िया गोटे मुठा दे एबे आमे भल कि आम मटी को मिसई नवा भल कि मुझे मटी टी तो मिसई ने एबे आमे रखी नवा मटी को एबे आमे पॉट टी को काढ़ देखते पॉट टी मुझे काढ़ी नेली एबे आमे से जो अच्छे टिके आमर होल भाया आम टिके दे नवा कोकोपीट टी पकईने कहीं कोकोपीट पकईने पाटा भल निर्वासन हम किसी भी असुविधा ना मुझे कोकोपीट टी सैड्रे पकई नौ होल्रे का पलैब ना छोट खंडे जदि रखिंट कि खपरा फपरा आपड़ खपरा टी देने कहीं पाटी भल निर्वासन हम मुझे तो देने देखु एवं पर चोपा पकईने देखु पर चोपा भी वेस्ट होनी वेस्ट करेंगे आपण तो पर चोपा सब बड़े सब दिन तो बाहर से गुड़िक कि करूँ ना मुझे आपन को कहूँ सेमती ही पका वेस्ट करूँ कि फिंगतुन देखु मुझे अजाड़ी ने कि देखु आ गोटे जिनस मुझे आपन को देखा देखु ये बेसन मोर बेसन खराब हो जाता टी पक मत असना लगला मुझे से बेसन टी भी पकईने कि असुविधा ना आपणकर वेस्ट जिनस अटा कि बेसन जदि खराब भी हो जा मैदा खराब हो जाए को असना लगुच बेस पक बेसी दिन कड़े पलैले से फिंगत ना आपरी भाव में जदि पकईने कंपोस्टर तेल आपणकर कंपोस्ट बहुत बढ़िया हो आउ गच्छ भी बढ़िया ग्रोथ हो फूल फल भरपूर हो देखु फ्रेंड्स मैंने किसी भी मुझे पकाए नहीं वेस्ट जिनस मु सब ही पकईनिए देखु मोर ए पकईने देखु जहाँ बेसन पड़ जा बेसन आई पर चोपा फोपा सब पकईने एवं आम मटीटी को पकेबा यही जो मिक्सचर मटीटी मुझे कली एवं आम पकेबा आम मटी देद जी गेब से अनुसार आम मटी दबा आमर जदि पर चोपा भी पकाचन आपण ताले मटी भी बेसी लगे कम लगे देखु एवं आम जरी टी चिरी नपा देखु बाहरी पड़ा जरी टी
ମୁଁ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଟିକେ ଆପଣ ହାଲକା କରି ନେବେ ମାଟିଟିକୁ। ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ମାଟି ଯେଉଁ ଗଛଟି ବି ଆଣୁଛନ୍ତି ଟିକେ ମାଟିଟିକୁ ହାଲକା କରି ନେବେ। ହାଲକା କଲେ ଚେରଟା ଟିକେ ସବୁଆଡ଼େ ବିଛେଇ ହେଇକି ରହିଲେ ହିଁ ଗଛଟି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ସେ ଜଲ୍ଦି ଅତି ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଯିବ, ସାର ବି ଗ୍ରହଣ କରିନେବ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗଛଟି କରନ୍ତି ସେ ମାଟିଟି ବହୁତ ଟାଣ ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣ ମଝିରେ ଟିକେ ମାଟି ଥିବ ଆଉ ଚାରିପଟ ଯାକ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ନେଇକି ହାଲକା କରିନେବେ ଚେରଗୁଡ଼ିକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ତ କେତେ କମ୍ କରିଦେଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରେ ହିଁ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ହାଲକା କରିନେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚେରଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରିଥିଲେ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଖତ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛେ ସେ ଅବଜର୍ଭ କରିନେବ ଆଉ ଗଛଟି ଆମର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ହୋଇଗଲା, ସମାନ ହେବ। ମୁଁ ଏବେ ମାଟି ଆଉ ବଳକା ମାଟିଟି ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ମାଟିଟିକି ଦେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ମାଟି ବି ଲାଗିବ, ଆଉ ଟିକେ ମାଟି ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେମିତି ମିଶାଇଛେ। ଆଉ ଟିକେ ମାଟି ନେଇଯିବା, ଖତ ବି ଟିକେ ନେବା। ଟିକେ ମଷ୍ଟାର୍ଡ କେକ୍ ବି ନେଇଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନେଇଗଲି। ଏବେ ମିଶାଇକି ପୁଣି ଦେଇଦେବା ଆମେ ଗଛରେ। ଏବେ ଆମେ ଗଛରେ ଦେଇନେବା ସବୁଯାକ, ଏତିକି ଆମର ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ମୋର ଏଥର ଗଛଟି ବି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏ ଗଛଟିକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗଛଟି ଲଗେଇଛେ। ଆଜି ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ପୁଣି କାଲିକି ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ଯେମିତିକି ନିଷ୍କାସନ ହେବନି ସବୁ ପାଣି, ନହେଲେ ତା'ର ସାରଟିକୁ ପଳେଇବ ଆଉ ଗଛ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି, ଏତିକି ହିଁ ମୁଁ ଦେବି, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବିନି, ଏତିକି ହିଁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଗଛଟିକୁ ଟିକେ ଛାଇରେ ରଖିଦେବା, ଗୋଟେ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଟିକେ ଛାଇରେ ରଖିନେଇକି ପାଣି ଡେଲି ଦେଉଥିବେ। ଟିକେ ଗୋଟେ ଓଳା ଦେବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସକାଳୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ଦେବେ। ତା'ପରେ ତିନି ଚାରି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଖରାକୁ ନେଇଯିବେ ଆଉ ଗଛଟି ଭଲ ହେବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ବି ଭଲ ଧରିବ, ଆମ୍ବ ବି ବଢ଼ିଆ ଧରିବ, ଆଉ ଆପଣ ଆମ୍ବ ବି ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ମୁଁ କେମିତି ଗଛଟିକି ଲଗେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଲି, ପୁଣି ଦେଖେଇବି କେତେ ବଡ଼ ହେଉଛି ଗଛଟି ମୋର, ଆଉ କେତେ ଆମ୍ବ ଫଳୁଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଆମ୍ବ ଗଛରେ କ'ଣ ବି ମୁଁ ଦେଉଛି ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କ'ଣ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି, ସବୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ। ମୁଁ ତାହେଲେ, ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ମୋର ଆମ୍ବ ଗଛଟି ମୁଁ କେମିତି ଲଗେଇଲି, ଆଉ କେମିତି ମୋର ବଉଳ ବି ଆସିଯାଇଛି। ଏତେ ଛୋଟ ଗଛରେ ବଉଳ ବି ଆସୁଛି ନା, ନିଶ୍ଚୟ ବାରମାସୀ ଆମ୍ବଟି ଏଇଠି ମୁଁ ଆଣିଛି, ବର୍ଷକୁ ତିନି ଥର ହିଁ ଫଳେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ଆଗରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଭାବିଲି। ଯଦି କାହାର ଦରକାର ବି ନିଶ୍ଚୟ ନର୍ସରୀ ଆସିଛି, ଜୟପୁର ନର୍ସରୀକୁ ଆପଣ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ବାରମାସୀ ଆମ୍ବକୁ, ଆଉ ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆମ୍ବ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମ୍ବ ବି ଖାଆନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ଆପଣ ତ ଗଛ ଲଗେଇବେ ଏଥର, କିଣି ଆଣିବେ। ମୁଁ ଏଥର ତାହେଲେ ରହୁଛି, ଯଦି ନୂଆ ହୋଇଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିନିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସିବି, ରହିଲି, ବାଏ, ନମସ୍କାର।